हेलो माय ऑल काइट्स लवर्स। तो जैसा कि आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि कुछ अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप कुछ पेज की वीडियो बनाएं। तो मैं उन सबको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने आपके कहने से 2D प्रोजेक्ट से आपको समझाने की कोशिश की है, एक्चुअली मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी इन चीज़ पर जो किया है वो वीडियो बना रखे, बट उनके समझाने का तरीका कई लोगों को समझ में नहीं आया। तो बेसिकली मैंने अपने तरीके से 2D और 3D प्रोजेक्ट से आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने कई बार कमेंट करके बोला है कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मेरे बताने का तरीका सही है या फिर गलत है। तो हम जो कि है वो पतंग को एकदम जैसे कि मुटा रखते हैं या फिर अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। मान लीजिए छत से या फिर मैदान से कहीं पर भी ये कंडीशन या मतलब ये स्थिति हो सकती है, तो आप देख लीजिए। तो आपको करना क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ पेज होते हैं, तो बेसिकली मैं हम लोग नॉर्मल पेज की बात करेंगे। तो आज कुछ एक पेज की बात करेंगे जो कि नीचे से लड़ाता है, वो किस तरीके से लड़ाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, जो कि सामने वाला हमारा अपोनेंट्स होता है वो कभी भी पट नहीं करेगा अगर समझदार होगा, क्योंकि इस कंडीशन हम चक्कर देके या फिर हम शे देकर भी पता उसकी आसानी से काट सकते हैं अगर हमारी डोर टाइट है यानी हवा में। तो जो हमारा मतलब अपोनेंट्स वाला होगा वो कभी भी पट नहीं करेगा, वो हमेशा तिरछी करेगा। और जब देख लीजिए जब तिरछी करेगा तब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी पतंग को अपने नीचे रखनी है, जिससे कि सामने अपोनेंट्स वाले से इसलिए नीचे रखनी है जिससे उसकी डोर फटाफट टच ना हो जाए। और जब हम अपनी जो कि पतंग है वो बिल्कुल बाहर की तरफ खींचते हैं, हमारा अपोनेंट जो कि वो तिरछी तरफ खींचता है, तो उस एंगल पर हमें क्या करना है, अपना एंगल चेंज कर लेना है, यानी दोनों का 45 रहेगा, बट हमें रुक कर देना है उस टाइम पर। और रुक करेंगे जब हमारी पतंग की जो डोर होगी वो वेव फॉर्म में काम करेगी, यानी लहरदार की तरह काम करेगी। अगर सामने वाला हमारा अपोनेंट रुक समझ के झटके भी देगा तब भी उसकी पतंग कट जाएगी, और वह यू कहीं तिरछा जब ऊर से पट करेगा तब भी उसकी पतंग कट जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में मतलब जो ये पेच है इसे हम डबल पेच भी कह सकते हैं। सामने वाले को लगेगा कि हम बाहर खींच रहे हैं बट हम अंदर की तरफ खींच देंगे पतंग, तो उस सिचुएशन में उसकी पतंग जो कि है वो कट जाएगी। बट ये पेच जो कि है बहुत मतलब अच्छा पेच है, बट इसमें जो एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसमें टाइमिंग हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से हमारी पतंग कट जाती है। अगर हम रुक भी खींच देते तब भी हमारी पतंग बहुत बार कट जाती है इसमें, क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है, सबसे ज़्यादा टाइमिंग का ही मतलब इसमें होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो कि डोर होती है वो हमारी जो एकदम टाइट होनी चाहिए और एकदम बिल्कुल वही फॉर्म में काम करनी चाहिए जिसे हम करानी है। उसमें बस यही प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग की होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये पेज जो कि बहुत सक्सेस पेज है, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। जो नए हैं उनके लिए आप एक दो बार उनकी पतंग जरूर काट सकते हैं। जितने भी नए हैं वो अपने सारे काइट लवर्स को मेरी वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।